नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको कंप्यूटर के शोरूम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मेरे पास एक इंक्वायरी आई है जो कि कंप्यूटर का शोरूम ओपन करने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरा सेटअप एज पर वास्तु किस प्रकार से होना चाहिए। हमारी जो साइट है, हमारी जो शॉप है, वो नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी है। ऐसे में हमें जिस जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार से अब मेरा सेटअप बताइएगा कि मेरे को अपने यहाँ पर किस प्रकार से सेटअप करना चाहिए। उन्होंने अपने यहाँ पर एक तो स्टोर बनाना है, एक ऑनर की सीटिंग रखनी है और डिस्प्ले के लिए कंप्यूटर रखने हैं। स्टोर में तो उनके अपने लैपटॉप्स आ जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएंगे, बाहर फ्रंट के भाग में उनके यहाँ अपने डिस्प्ले आएगी, कुछ एसेसरीज़ की भी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो एसेसरीज़ होती है उनकी डिस्प्ले करनी है और साथ में अपना काउंटर बनाना है। काउंटर पर ही एक कंप्यूटर आ जाएगा जो सिस्टम्स का बिल बनाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शॉप उन्होंने ली वो नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी है। उनको अपने यहाँ जो एंट्रेंस करनी चाहिए, दो तरीके हैं एंट्रेंस करने के। एक तो एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, एक तो एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पर कर सकते हैं, दूसरी एंट्रेंस नॉर्थ सेंटर में भी कर सकते हैं। दोनों ही एंट्रेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है। फ्रंट में फिक्स ग्लास आ जाएगा और सेंटर में डोर करना है, एंट्रेंस करनी है तो नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में दोनों तरफ फिक्स ग्लास आ जाएगा और सेंटर से एंट्रेंस हो जाएगी। और आपके यहाँ चौड़ाई कम है तो आप अपनी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से यहाँ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो ध्यान रखना है, फ्रंट का एरिया यानी नॉर्थ का एरिया, उत्तर दिशा हमेशा ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फ्रंट में आपने अपने यहाँ पर स्टोन लगाना है, पत्थर लगाना है, तो वो पत्थर आपका वाइट कलर होना चाहिए। ग्रेनाइट लगाते हैं तो भी आप यहाँ पर वाइट कलर का लगा सकते हैं, ग्रे कलर लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं आती तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर का ग्रेनाइट भी लगा सकते हैं। एक कलर स्टील ग्रे टाइप में भी आता है, वो भी आप अपने यहाँ पर नॉर्थ में फ्रंट में लगा सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर जो बोर्ड लगाना है, जो होर्डिंग लगानी है, वो होर्डिंग आपकी ब्लू कलर की, वाइट कलर की होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगवाना है, अगर शॉप के अंदर लगवाना है तो बेस्ट ऑप्शन होती है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पर आप अपना इलेक्ट्रिक मीटर लगवाएं। MCB बॉक्स भी आपका यहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रिक मीटर आप अंदर नहीं लगवा सकते, बाहर ही लगना है तो वो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पर लगवा सकते हैं। MCB बॉक्स आपका साउथ ईस्ट जोन में साउथ वॉल पर यहाँ पर लग सकता है या फिर नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट वॉल पर यहाँ पर आपका MCB बॉक्स लग सकता है। इन्वर्टर भी आपने कहाँ लगाना है, इन्वर्टर आपने साउथ ईस्ट जोन में यानी आग्नेय कोने में आपने इन्वर्टर लगाना है। इन्वर्टर आग्नेय कोने में लगाने से दो बातें होती है, एक तो वजन साउथ की दीवार के साथ आ जाता है, दूसरा जो इन्वर्टर के अंदर से हीट निकलती है, जो फ्यूम निकलती है, वो साउथ ईस्ट जोन के एरिया को गर्म करती है, जिसके कारण शॉप के अंदर, शोरूम के अंदर हमेशा ही कस्टमर का आना जाना लगा रहता है और दो पैसे आने के साधन बने रहते हैं। जो आपने अपने यहाँ पर स्टोर बनाना है वो स्टोर आपका बैक साइड में यानी साउथ वॉल पर यहाँ पर आपका अपना स्टोर बनेगा। स्टोर की जो एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर से यहाँ से एंट्रेंस करनी है और जो रैक लगाने हैं वो साउथ ईस्ट कॉर्नर को छोड़ के यहाँ पर कंप्लीट रैक लगाएं। ऐसे ही वेस्ट वॉल के साथ भी आप रैक लगा सकते हैं और ऐसे ही रैक आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपका साउथ का रैक हमेशा ही कंप्यूटर से फुल होना चाहिए, उसके बाद आप वेस्ट का रैक भी फुल कर सकते हैं, सबसे बाद में आपने नॉर्थ का रैक फुल करना है। आपने अपने यहाँ पर जो डिस्प्ले के लिए काउंटर लगाना है वो काउंटर आपका कंप्लीट वेस्ट वॉल पर यहाँ पर आपका अपना
डिस्प्ले का काउंटर आ जाएगा। जो आपने अपने यहाँ पर डेस्कटॉप लगाने हैं डिस्प्ले के लिए, डेस्कटॉप साउथ वेस्ट की ओर, यहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप लगाएं। आपके लैपटॉप डिस्प्ले के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। जितना स्पेस आपके पास है उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। नीचे के भाग में आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, यानी ऊपर तो आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप डिस्प्ले में आ गए और नीचे के भाग में भी आपकी स्टोरेज हो जाएगी। ऐसे ही आप सेंटर से डोर रखते हैं तो ईस्ट वॉल के साथ भी आप एक काउंटर लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने लैपटॉप डिस्प्ले कर सकते हैं। ध्यान रखना है इसमें नीचे के भाग में आपने स्टोरेज नहीं करनी है, यानी ईस्ट वॉल पर आपने स्टोरेज नहीं करनी है। और जो रैक आप यहाँ पर लगाएंगे, जो काउंटर आप यहाँ पर लगाएंगे जिसके ऊपर आप लैपटॉप रखें, क्योंकि लैपटॉप वजन में हल्के होते हैं और डेस्कटॉप वजन में हैवी होते हैं, तो ईस्ट वॉल पर आप सिर्फ लैपटॉप डिस्प्ले में रखें और लैपटॉप की जो एसेसरीज है वो भी आप ईस्ट की वॉल के साथ यहाँ पर डिस्प्ले में रख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, वेस्ट का रैक यानी पश्चिम दिशा का जो रैक है वो ईस्ट के यानी पूर्व दिशा के रैक से ऊंचा होना चाहिए, भले ही वो रैक 1 इंच के करीब ऊंचा हो। ऐसा करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ सेल बहुत अच्छी होगी। ऐसे ही आपने एक काम और करना है, आप अपने यहाँ पर साउथ वॉल पर भी स्टोरेज प्लस डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर की एसेसरीज भी डिस्प्ले कर सकते हैं और नीचे के पार्ट में आप अपने यहाँ स्टोरेज कर सकते हैं। आपका अपना जो रैक लगेगा वो रैक इस प्रकार से यहाँ लगेगा, आपके अपनी सीटिंग यानी ओनर की जो सीटिंग है वो यहाँ होगी और आपके अपने स्टाफ की जो सीटिंग है वो यहाँ पर आएगी, यानी साउथ वेस्ट की ओर ओनर की सीटिंग होगी और साउथ सेंटर की ओर स्टाफ की सीटिंग हो गई। ये आपका जो काउंटर बनेगा यहीं पर आपका अपना कंप्यूटर आ जाएगा, जिससे कि आप अपने कस्टमर को बिल निकाल कर देंगे। आपने अपने यहाँ पर जो कैश ड्रॉअर बनानी है वो कैश ड्रॉअर आप रूटीन में यूज़ करने के लिए तो यहाँ पर बनाएं, और मेन कैश ड्रॉअर आपकी यहाँ पर इस जोन में होनी चाहिए जो कि आपकी ईस्ट की ओर ओपन होगी। जो ये कैश ड्रॉअर है ये आपकी अपनी साउथ की ओर ओपन होगी, और जो ये कैश ड्रॉअर है ये आपकी अपनी ईस्ट की ओर ओपन होगी। मेन कैश ड्रॉअर आपकी यही रहेगी। आपको अपनी कंपनी को जो चेक देने हैं वो चेक भी आपने इसी ड्रॉअर से निकाल कर देने हैं, क्योंकि चेकबुक भी आपने इसी में रखनी है। यानी किसी भी व्यक्ति को पेमेंट देनी है तो यहाँ से दे, कस्टमर से पेमेंट जो लेते हैं वो यहाँ रखें। यहाँ रखने के बाद जब एक पेमेंट का पैकेट बन जाता है उस पैकेट को यहाँ से निकाल कर आप यहाँ शिफ्ट कर दें। शाम के समय यहाँ से पैसे निकालें, जो पैसे आपने अपने घर में लेके जाने हैं घर ले जाएं, जो बैंक में जमा कराने हैं उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किसी को पेमेंट देनी है तो यहीं से आपने पेमेंट निकाल कर देनी है। आपने अपने यहाँ पर एक काम और करना है, अगर कर सकते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका काम कई गुना प्लस हो जाएगा। क्या काम करना है, जो आपका साउथ का एरिया है एरिया, इस एरिया का फ्लोर लेवल यानी फर्श का जो लेवल है, जो स्टोर का एरिया है, उस एरिया को आप पूरे फ्लोर के लेवल से 4 इंच ऊंचा कर देते हैं तो आपकी सेल मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। आप जिस मार्केट में बैठे हैं उस मार्केट में आपका नाम कंप्यूटर की लाइन में अच्छा खासा नाम हो जाएगा। ये काम आप अपने यहाँ पर करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको बेस्ट रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं या आप अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें आपको बताता रहता हूँ। आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं।
ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।